क्यों कुछ कर दिखाना इतना आसान नहीं, क्यों मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं। कभी राह मिली तो कभी राह खुद बनानी थी, कभी कुछ चलाने वाला मिला तो कभी कहीं खुद चलना था। ना जाने कितने थामे हुए हाथ छूट जाने थे पीछे, ना जाने कितने थामे हुए हाथ छूट जाने थे पीछे, ना जाने कितने साथों को छोड़ भरना था आगे, ना जाने कितने साथों को छोड़ भरना था जागे, ना जाने कितना लंबा सफर तय करना था, ना जाने कितना लंबा सफर तय करना था। वो पहली बार याद है घर से, वो पहली बार प्ले और नर्सरी क्लास का स्कूल जाना, वो पहली बार घर से स्कूल जाना और वो स्कूल से एक कॉलेज में एडमिशन लेना, और फिर वो हर त्योहार घर पे बनाने से लेकर वो घर तक ना पहुंच पाना, और अब घर पे रहने से कहीं दूर बाहर किसी हॉस्टल में रहना। इतना सफर तय करना था, और ना जाने इन सब के बाद कॉलेज से नौकरी, और नौकरी से ना जाने जिंदगी कितनी और भाग दौड़ों का सफर तय करना था। ना जाने कितना सफर तय करना था, ना जाने इस सफर में माँ बाप से और कितना झूठ बोलना था, ना जाने माँ बाप से और कितना झूठ बोलना था। याद है वो हाँ एक हर बार वाला झूठ होता है ना, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं खुश हूँ, आप अपना ख्याल रखो, मुझे सब कुछ ठीक है। आप लोगों की कहाँ बस घर के खाने की कभी कभी याद आ जाती है, पर उनको कैसे बताएं कि घर का खाना तो सिर्फ बहाना होता है। उनको गले लगा खुशी बांटना और बुखार होने पे उनकी डांट खा दवा खाना याद आता है, वो देर रात तक टीवी देखना और पापा के आने की आहट सुन, बस रिमोट से फटाक से बंद करके कमरे में भाग जाना, वो सब याद आता है। याद आता है मेरी लड़ाई करने पर माँ से गुस्सा होना, फिर खाना ना खाना, और उस पर पापा का बाहर से चाट और पकोड़े लेकर आना। क्यों कुछ कर दिखाना इतना आसान नहीं, क्यों मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं। वो तो चलो सब ठीक है माना जी, सब तो हम झेल लेंगे, ये सब तो ठीक है, पर वो अपने घर जाने के लिए भी 10 बार सोचना, और उसमें से भी छुट्टी साइन करवाने से पहले वाली जो लीव एप्लीकेशन से पहले के 4-5 सवाल होते हैं ना, यार जाए ना जाए, काम छूट जाएगा, ये हो जाएगा, लीव कट जाएगी, वो सब। वो घर जाने से पहले के 4-5 सवाल, और उन 4-5 सवालों में हमेशा उलझ कर रह जाना और तब भी घर ना जा पाना, और फिर एक दिन रात को ये सब याद कर, माँ बाप को याद कर, तकिए को भिगो कर सो जाना, और अगले दिन फिर सुबह उठ उसी मुस्कान के साथ बोलना, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं खुश हूँ। क्यों कुछ कर दिखाना इतना आसान नहीं, क्यों मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं। थैंक यू।